स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में स्टडी किया था। आज हम मूव करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन की तरफ। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे, डेसिमल नंबर से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्जन होता है, दो एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद में डेसिमल टू ऑक्टल। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास में हम बिगर बेस से स्मॉलर बेस की तरफ मूव करते हैं तो हमें वहाँ पर डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो नाउ स्टूडेंट, सपोज हमारे पास में 117 है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 5 जै 10, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, 2 8 जै 16, हमारा कैरी बच रिमाइंडर बचा 1। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 0। नाउ स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। अगेन 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। अगेन 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम बाइनरी में आंसर लेके आते हैं तो हमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप बिट्स को कैलकुलेट करना होता है। आप चाहें तो बिट्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 0 1 0 1 1 1, और आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल गेट नाउ, अवर आउटपुट विल बी 1 1 1 0 1 0 1। सो वी विल गेट द बाइनरी आंसर लाइक दैट। हमारे पास में जो आंसर आएगा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेट इज 117 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 0 1 0 1। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है। 542 हमारे लिए दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरीके से नेक्स्ट, 2 6 जा 12, 15 हो गया यहाँ पे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। अगेन स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कैरी बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। नाउ स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 13 आया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। नाउ 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। आंसर जो आएगा हमारा 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यहां पर हम डेसिमल नंबर को 542 को जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हमारे पास में आंसर ये आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन करेंगे। जिस तरीके से हमने बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमें जो भी डेसिमल वैल्यू होगी उसको 8 से डिवाइड करना होगा। डेसिमल में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं हमारे पास में, जिसका बेस 10 होता है, और ऑक्टल में 0 से लेके 7 होते हैं जिसका बेस 8 होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया हुआ है, उसको हम देखते हैं। सिंपल, 48 है, आपने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 6 जा 48, यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज अवर आंसर 60। तो 48 को जब आप ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपके पास में आंसर 68 आएगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें एनालाइज करने की हैं। डेसिमल को आप ऑक्टल में चेंज कर रहे हो, बेस 10 है और आप
एट में चेंज कर रहे हैं, ये बिगर बेस है, ये स्मॉलर बेस है, तो हमेशा क्या होता है, हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिजिट्स की वैल्यू भी आपस में बढ़ रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको परफॉर्म करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम डेसिमल टू ऑक्टल परफॉर्म करते हैं कन्वर्जन। हमारे पास में 58 है, इसको आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 2। देखिए बाइनरी में रिमाइंडर हमारे पास में केवल 0 और 1 बच रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर 2 3 4 5 इस तरीके से रिमाइंडर आ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे इसका हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा डेट इज 72 एंड दिस इज द बेस 8। बेटा एक चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा ऑक्टल नंबर आएगा उसमें आपको 0 से लेके 7 तक ही डिजिट दिखाई देंगे। यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा 0 से लेके 7 तक डिजिट आएंगे। जैसे प्रीवियस आंसर था, यहाँ पे 0 और 6 आया, 6 और 0 आया, यहाँ पे 7 और 2 आया, क्योंकि जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं वो हमारे 0 से लेके 7 तक लाई करते हैं, और इसी तरीके से डेसिमल 0 से लेके 9 तक लाई करते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर है। आप इन नंबर्स को ऐसे भी पहचान सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट कन्वर्जन इज 49। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 जो 48 होता है, कैरी बचा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 61 बेस 8। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से, यहां पर भी आपको एक रूल फॉलो करना है कि अगर लास्ट में डिवाइडेशन नहीं हो रहा होता है तो हम वहां पर 0 पुट कर देते हैं और आंसर अपना जो भी कैरी बचता है वो उसको हम कैरी में एज ए आंसर पुट कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिएगा, 114 हमारे पास में है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बन जाए 8 हो गया आपका, 34 हो गया क्योंकि यहां से 3 कैरी आ गया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2। नाउ स्टूडेंट्स अगेन इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, हमारे पास में 6 रिमाइंडर बचा। इसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिए, 8 1 जा 8, 3 हमारे पास में कैरी यहां पर बचा, 34 हो गया, 8 4 जा 32 होता है, 2 रिमाइंडर बचा। नाउ स्टूडेंट यहां पर 14 आ गया, 8 1 जा 8, 8 और 6 14, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 162। तो जब हम 114 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 162 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ऐसे डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं आप चाहें, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होगी। जैसे 8 1 जा 8 आपने लिखा, 34 आ गया, 8 4 जा 32 आया, रिमाइंडर आ गया 2। यहाँ पे 2 जो है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और जो मेरा आंसर आया है 14 वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। आप इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको इजिली सॉल्व होगा और आपको आंसर भी गेटअप करने पे आसानी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। इसमें हमारे पास में 441 है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स 8 5 जा 40, अगेन यहाँ पे 4 आ गया, डेट इज 41, देन अगेन 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 1। देन स्टूडेंट 8 6 जा 48 होता है, यहाँ पर 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो हम उसको कैरी आउट नहीं करेंगे। 8 6 जा 48, नाउ हमारे पास में कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर, हमारे पास में रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचा, आपने यहाँ पे लिख दिया 7। तो व्हाट वी विल गेट, अवर आंसर इज 671 एंड बेस इज 8, डेट इज ऑक्टल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा डिवाइडेशन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास में 554 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा
48, 7 आया 74 हो गया, अब 8 9 जा 72, हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। नाउ स्टूडेंट्स, 8 को 69 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। नाउ रिमाइंडर हमारे पास में कितना बच जाएगा 5, देन अगेन 8 बन जा 8, रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पर 554 को जब आप ऑक्टल में लिखेंगे तो 1052 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा है तो मैंने आप यहाँ पे 0 पुट कर दिया। दोबारा देख लीजिए, 86 जा 48, 7 हमारे पास में रिमाइंडर बचा, 7 बचा 74 हो गया, 8 9 जा 72, 2 रिमाइंडर बचा 69 आ गया, 69 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 8 जा 64, 5 हमारे पास में रिमाइंडर बचा, शेष बचा, देन अगेन यहाँ पे 8 आ गया, 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर इज 0। तो अवर आंसर इज 1052। नाउ स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं, 512 सॉल्व करते हैं इसको। 8 6 जा 48, 51 में से 48 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 32 हो गया, 8 4 जा 32, यानी कि रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0। अगेन स्टूडेंट्स, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 0। अगेन स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 1000, और इसका बेस आ गया हमारे पास में 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, 99 को डिवाइड करेंगे 8 से। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, 8 1 जा 8 हो गया आपका, यहाँ से 1 कैरी गया, 19 हो गया हमारा, 8 2 जा 16, 3 रिमाइंडर बचा हमारे पास में, देन 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर बचा, आंसर आ गया हमारा 143, और इसका बेस आ गया हमारे पास में 8। तो 99 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8 143। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में है 324, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, देखिए 8 4 जा 32, ये तो पूरा कट हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे 4 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे और 4 को एज ए रिमाइंडर लेंगे, देन 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर आएगा हमारा 504, इसका बेस होगा 8। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।